आज सुबह हम सबके चहेते सिद्धार्थ शुक्ला का दिल के दौरे से निधन हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल मुंबई में ही किया जाएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनको हॉस्पिटल में आखिरी गुड बाय बोला। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला कल रात में 10 बजे वर्कआउट करके आए और रात में 3 बजे उन्होंने अपने माँ को बताया कि उनके चेस्ट में पेन हो रहा है, लेकिन उनकी माँ ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सिद्धार्थ एक ग्लास पानी और दवाई खाकर सो गए। सुबह जब शहनाज उनको जगाने गई तो वो नहीं उठे। आनंद फानंद में जब फैमिली उनको हॉस्पिटल लेके पहुंची तो कूपर हॉस्पिटल में ये पता चला कि सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं रहे। इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने बॉडी की जांच की है, उनको कोई भी ऐसा सस्पेक्ट नहीं मिला है। अभी डॉक्टर्स की एक टीम और पुलिस बॉडी का पंचनामा कर रहे हैं। एक डॉक्टर्स की टीम बॉडी का पोस्टमार्टम करेगी और पोस्टमार्टम करते हुए वीडियो को रिकॉर्ड किया जाएगा। डॉक्टर्स और पुलिस का कहना है कि सिद्धार्थ की मृत्यु हार्ट अटैक से ही हुई है, कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी फैंस के मन में ये सवाल तो है कि अचानक से ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में सिद्धार्थ की मृत्यु कैसे हो गई। अब तो कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सब पता चलेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे इस बारे में कोई डिटेल मिस ना हो।